बीरबल ने चोर को पकड़ा। एक बार राजा अकबर के प्रदेश में चोरी हुई। इस चोरी में एक चोर ने एक व्यापारी के घर से बहुत ही कीमती सामान चुरा लिया था। उस व्यापारी को इस बात पर तो पूरा विश्वास था कि चोर उसी के 10 नौकरों में से कोई एक था, पर वह यह नहीं जानता था कि वह कौन है। यह जानने के लिए कि चोर कौन है, वह व्यापारी बीरबल के पास गया और उसने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने भी इस बात पर हाँ कर दिया और अपने सिपाहियों से कहा कि सभी 10 नौकरों को जेल में डाल दिया जाए। यह सुनते ही उसी दिन सिपाहियों द्वारा सभी नौकरों को पकड़ लिया गया। बीरबल ने सबसे पूछा कि चोरी किसने की है, परंतु किसी ने भी यह मानने को इनकार कर दिया कि चोरी उसने की है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कुछ देर बाद वह 10 समान लंबाई की छड़ी लेकर आए और सभी चुने हुए लोगों को एक एक छड़ी पकड़ा दी। पर छड़ी पकड़ाते हुए बीरबल ने एक बात कहा कि उस इंसान की छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी जिस व्यक्ति ने यह चोरी की है। यह कहकर बीरबल चले गए और अपने सिपाहियों को निर्देश दिया कि सुबह तक उनमें से किसी भी व्यक्ति को छोड़ा ना जाए। जब बीरबल ने सुबह सभी नौकरों की छड़ी को ध्यान से देखा तो पता चला उनमें से एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। यह देखते ही बीरबल ने कहा, यही है चोर। बाद में यह देखकर उस व्यापारी ने बीरबल से प्रश्न किया कि उन्हें कैसे पता चला कि चोर वही है। बीरबल ने कहा कि चोर ने अपने छड़ी के 2 इंच बड़े हो जाने के डर से रात के समय ही अपने छड़ी को 2 इंच छोटा कर दिया था। शिक्षा मॉरल, सत्य कभी नहीं छुपता, इसलिए जीवन में कभी भी झूठ मत बोलो।